बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। इस सफर पर सिमर चल पड़ी है अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, डायन का साया उन पर से दूर भगाने के लिए। सिमर ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है जिसके लिए वो इतनी भागम भाग कर रही है। चल पड़ी हूँ पर वो भी अब लिटरली चलना ही पड़ रहा है मुझे क्योंकि एज एक्सपेक्टेड मोहिनी मैडम ने अपने बीच बीच के तेवर तो दिखाने अभी शुरू ही किए हैं। आगे पता नहीं और क्या क्या करेगी, तो अभी शुरुआत ही हुई है सफ़र की, देखते हैं आगे कैसा चल। वैसे सिमर का ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। मोहिनी यहाँ कुंभ मेले में भी पहुँच गई है और यहाँ पर भी वो अपनी साजिशें रच रही है। अब जरा सिमर से ही सुन लीजिए कि उसकी कितनी परीक्षाएं अभी बाकी हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो अपना पूरा भ्रम जाल मेरे आसपास बुन देती है और मैं डिसाइड करती कि मैं भागूंगी, तो मैं भाग के उसके सामने से जा रही हूँ और मैं भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, एंड आई रियलाइज दैट द रोड हैज़ नो एंड। तो अब मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ कि अभी क्या करूँ क्या नहीं। सच कहा सिमर आपने, मोहिनी यूं हार नहीं मानने वाली, उसने तो आखिरी दम तक आपसे लड़ने का फैसला कर लिया है। कुंभ में आके थोड़ी तकलीफ सहना बेटर है घर बैठ के मर जाने से, और कुछ हाथ पैर नहीं मार के मर जाने से। सो मरूंगी तो ज़रूर, आई एम श्योर ईविल हैज़ टू एंड समडे, बट इतनी आसानी से नहीं, सबको बहुत त्रास दे के मरने वाली हूँ मैं। इस कुंभ के मेले में मोहिनी का अंत तो पक्का हो जाएगा, लेकिन सिमर की मुश्किलों का अंत नहीं होगा क्योंकि उनके पीछे बहुत जल्द एक नई डायन पड़ने वाली है। निशि मिश्रा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।